तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि ये 5 लड़कों को चाहिए था एक घर, इसीलिए इन्होंने एक नाटक रचाया जिसमें एक बना हस्बैंड और दूसरा बना उसकी वाइफ, पर बाकी के 3 निकम्मे तो ऐसे ही रहने वाले हैं। अब इनका ये जो हस्बैंड वाइफ वाला नाटक है वो उनके पुराने रूम मालिक को पता चल गया है। चलिए अभी दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। मैं हूँ इसका पति अनीता का। मुझे छेड़ा, पल्लू खींच रहा था मेरा। ए कल्लू, तू मेरे अनीता का पल्लू खींच रहा था? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाड़े के पैसे कब देगा तू? हाँ, तेरे को शादी करने के पैसे है, मेरे को पैसे देना नहीं है, तेरे को उधार नहीं चुकता करना। ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहाँ से। ये क्या चल रहा है? मेरे घर पे ये सब दादागिरी नहीं चलेगी, निकलो यहाँ से। मैं अभी तो जा रहा हूँ, मैं आऊंगा वापिस तेरे को लेने। संकेत अब बस हो गया, मैं लड़की बनने वाला नहीं हूँ, अभी दूसरे किसी को लड़की बनाऊ। दूसरे किसी को? हाँ, ये है ना बंदर का मुंह वाला, ये मंगू। अरे इसका मुंह तो सिर्फ पिचकारी मारने के लिए खुलता है, इसको थोड़ी बनाएंगे। अरे मेरे बाल। माजी पूछ रही थी, ये कौन है? माजी को मत देखे, ये किसको लेके आए तुम? अरे भाई भाई, ये वैक्स का स्टैचू है, वो म्यूजियम में लगाते हैं, वो मोम का पुतला। तो ये पुतला है, मैंने एक बार देखा था, वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत, वो पुतले मैंने ही आपने बनाए? नहीं, वो नहीं मैंने बनाया, मैंने वो उमेश, अक्षदा, उमेश और उनका हंगरी बर्ड्स वालों का बनाया मैंने। कौन है ये हंगरी बर्ड्स और ये उमेश अक्षदा? अरे आपने ही पेशेंट थे, बहुत फेमस लोग हैं वो। बहुत फेमस? ये भी बहुत फेमस आदमी था। कौन है? अरे ये बहुत शाही खानदान से आते हैं, शाही पान खाते थे, बोलो जुबा केसरी, वो इनका ही डायलॉग फेमस हुआ था। बहुत फेमस। हाथ मत लगाना। क्यों? ये मोम का है ना, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, बहुत मेहनत से बनाया मैंने। शक्ल से तो चोर लगता है ये। जाने दो उसको, चोरी है। ठीक है। वो टेबल है, टेबल मुझे दहेज में मिला। दहेज में मिला था मुझे? दहेज में टेबल मिला है आपको? टेबल मिला है उसको। अच्छा, अरे वैसे छोटा नहीं था वो? ए क्यों चिल्ला रही है अनीता? अरे आपको ना भाभी जी फसाया है, ये टेबल की ना गद्दी मुझे लगता है एकदम कड़क कड़क है, नरम होनी चाहिए। आप क्या करो, मैं ना इसको ऐसे झाड़ू से कूटती हूँ, ठीक है? लग जाएगा टेबल को, टेबल में भी थोड़ी जान होती है, आपको पता नहीं है क्या? अरे उसकी गद्दी नरम हो जाएगी। नरम नहीं हो जाएगी, वो परमानेंटली नरम हो जाएगी, ऐसा मत मारो। अच्छा। अरे वो माजी पूछ रही थी कि आप रोटी कितनी खाओगे, वो खाना बनाना है ना मुझे। रोटी इसका और मेरा पकड़ के ना 40। 40? 40। अरे 40 रोटी कौन खाता है? मैं खाती हूँ। मैं 40 में से एक ही खाता हूँ, बाकी यही खाती है। अरे बहुत भुक्कड़ है वो, ऐसा लगता है पर बहुत खाती है। अरे भगवान, इतना रोटी मैं कब बनाऊँ अभी? वो झाड़ू ऐसा ही रखो आप, ऐसा हाँ, बस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, आप सब्जी में मैं क्या, क्या बोलता हूँ, जो सब्जी बनाना है बनाइए, और इस रूम का साफ सफाई आप बाद में कर लेना, ठीक है? नहीं नहीं बाद में नहीं, मैं तो नहीं, 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 वो अनीता कर लेगी। माजी बोल रही है। जाइए जाइए, वो अनीता कर लेगी साफ सफाई। अरे नहीं करती हूँ। नहीं जाओ निकलो। ये ना अलग बैठा था ये स्टैचू। नहीं ऐसा ही है। आपको ये हो रहा है, कोई तो व्यायाम हो रहा है, आप जाइए जाइए। ये ऐसा कौन टेबल देते हैं ऐसा खतरा दहेज में वो भी? हाँ चली गई फाइनली। बावर्ची साइड में हो जा। बावर्ची।
झाड़ू मारो कटका मारो। अरे मीना भाई, तुम हमेशा जब देखो झाड़ू ही मारती रहती हो। अरे साहब, मुझे झाड़ू मारना ना बहुत पसंद है, इसीलिए। कभी वो बर्तन और कपड़े भी धो लिया करो। साहब जरा ज्यादा ही नहीं बोल रहे यार। अच्छा, ज्यादा से याद आया, वो घर में कल्लू आया था, वो माजी को कैसे पहचानता है? कौन कल्लू? अरे वो लंबा था, वो काला काला। ईश्वर भैया। हाँ, नाम ईश्वर है पर काम उसके शैतान जैसे। अरे एकदम सही बोले आप। हाँ। वो ना माजी का दूर का रिश्तेदार है। अब आपको तो पता है माजी का ना कोई आगे ना कोई पीछे, तो वो कल्लू ना माजी के प्रॉपर्टी के ऊपर नजर जगराए बैठा है। अच्छा, माजी ने ना अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर आपके रूम में छुपा के रखे। अच्छा, तो वो ईश्वर भैया आ जाते हैं उसे चुराने के लिए। अच्छा हुआ माजी ने उसको बताया नहीं है। हाँ नहीं बताया। आप भी मत बताना किसी को। मैं क्यों बताने लगी? मेरे पेट से कुछ बात निकलती नहीं है। मुझको तो बता दिया इसने, पागल औरत। क्या बोला? कुछ नहीं, वो झाड़ू ठीक से लगाओ। अरे लगता है वो बुढ़िया आ गई। चुप जाओ, मैं उसको पकड़ता हूँ। ये शोर शराबा क्यों है इतना? अरे भगवान, माजी। ईश्वर, क्या हुआ? माजी, आपको पता है वो जो इधर जो संकेत रहता है, वो उसकी बीवी। हाँ, उसकी बीवी बीवी नहीं है, वो लड़का है, लड़का। और इधर कोई तो दो नहीं रहते, उधर टोटल तीन, दो, पांच लोग रहते हैं। नहीं, माजी, नहीं, अच्छा। हाँ। अभी रुक, तो तेरे को पता चलेगा। अभी रुक माजी। ईश्वर, मुझे ये सब चीजें ना पहले से ही पता थी, लेकिन इन बच्चों की नियत अच्छी थी इसलिए मैंने इनको रख लिया। लेकिन तुम्हारी नजर सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पे थी और तुम्हारी नियत पे भी खोट है, तो तुम अब जाओगे पुलिस कस्टडी में। अब पुलिस आती होगी तुम्हें लेने के लिए। माजी, नहीं माजी, प्लीज माजी, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे पुलिस में नहीं जाना है। गाइज, फाइनली अनीता और मेरा शादी टूट गया है। ये वीडियो करते करते हमें बहुत, मतलब बहुत टाइम हो गया है। उसने दो तीन साड़ियाँ भी चेंज कर ली,
इन लोगों के तो घर भी चेंज हो गए, बहुत टाइम हो गया हमें शूट करते करते। बेचारे ने बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और हमारा जो दूसरा चैनल है हंग्री बर्ड इनसाइड उसे भी जाके चेकआउट करना। अभी हम लोग सब लोग बहुत थके हुए हैं, तो प्लीज जाइए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय।